ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठित रत्न भंडार रविवार को 46 साल बाद फिर से खोला गया। इससे पहले 1978 में रत्न भंडार के दरवाजे खोले गए थे। इस काम के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया था। ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली इस टीम में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन SJTA के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद पहाड़ी, ASI अधीक्षक DB गढ़नायक और पुरी के राजा गजपति महाराजा भी शामिल थे। टीम ने मंदिर के अंदर 14 जुलाई की दोपहर 1:30 बजे प्रवेश किया। पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पहाड़ी के मुताबिक बाहरी रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 संदूकों में रख कर सील कर दिया गया है। रत्न भंडार में मौजूद रत्नों, आभूषणों और अन्य बेशकीमती चीजों की गिनती और मरम्मत की जाएगी। इनकी संख्या, गुणवत्ता, वजन, फोटो संबंधित डिजिटल कैटलॉग भी तैयार किए जाएंगे, जिसे भविष्य में एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पर उपयोग किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की निधि होने के कारण पुरी मंदिर के रत्न भंडार को लेकर भक्तों में भी गहरी आस्था का भाव है। इसलिए 11 सदस्य टीम की उपस्थिति में रत्न भंडार के दरवाजे खोले जाने से पहले विधि विधान पूर्वक प्रभु जगन्नाथ की पूजा की गई और पूरी प्रक्रिया के सफल होने के लिए उनका आशीर्वाद लिया गया। उड़ीसा मैगजीन के अनुसार राजा अनंग भीम देव ने भगवान जगन्नाथ के आभूषण तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सोना दान किया था। रत्न भंडार के 2 कक्ष हैं, भीतर और बाहरी। ओडिशा मैगजीन में कहा गया है कि बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार जिनमें से प्रत्येक का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोना से बने श्री भुजा और श्री प्यार का भी उल्लेख किया गया है। इसके मुताबिक आंतरिक खजाने में करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। वर्ष 2018 में ओडिशा के तत्कालीन कानून मंत्री प्रताप जेना ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि जब 1978 में रत्न भंडार के दरवाजे खोले गए थे, तब करीब 140 किलो सोने के गहने, 256 किलो चांदी के बर्तन मिले थे। पूरी मंदिर प्रशासन के मुताबिक इन आभूषणों में कीमती पत्थर जड़े थे। हालांकि कल खोले गए रत्न भंडार में क्या क्या चीजें मिली हैं, इसे लेकर 11 सदस्यीय टीम की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। पिछले साल अगस्त में जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि रत्न भंडार 2024 की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान खोला जाए। ऐसी अफवाहें थी कि रत्न भंडार में सांप मौजूद हैं, जो प्रभु जगन्नाथ के खजाने की रक्षा करते हैं, लेकिन समिति के सदस्यों ने बताया कि खजाने के अंदर कोई सांप नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश TV।